हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का लोग करते हैं स्टार्ट हम। तो दोस्तों, अभी घर पर हम, तो देख सकते हो आप कुछ ऐसा लुक है। और भैया, आज का लोग हम काफ़ी मतलब माइंड में सेट कर रखा है कि काफ़ी अच्छे से शूट करना है। और काफ़ी आपको मैं गाँव भी दिखाऊँगा और मेरा घर भी दिखाऊँगा आपको असली। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये मेरे घर पर जा रहा है भैया। मतलब मेरे घर के आगे इतनी खुली जगह है, देख सकते हो कितना खुला मैदान है मेरे घर के आगे। और ये भैया एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट नहीं, मतलब एग्जिट गेट, क्या मेन गेट यही है। तो हम चलते हैं भैया इधर घर की तरफ। ये देख सकते हो आप, इधर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जामफल के और भी बहुत कुछ हैंगे। उधर नींबू के लगे हुए हैं, वो देख सकते हो आप अपने पीछे। तो दोस्तों, ऐसा है भैया ये नज़ारा, आप देख सकते हो यार। काफ़ी मेहनत लगती है भैया वीडियो शूट करने में, और आप भैया वीडियो को देखते तक नहीं हो, पूरी को देखते हैं वैसे तो, बट पूरी नहीं देखते। तो दोस्तों, पहले नीचे बैठ के, तो दोस्तों घर पे ही हैं हम अभी, मतलब। और साला भी तो टाइम भी ख़राब चल रहा है मेरा, तो पता नहीं क्यों, क्योंकि यार आज सुबह ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा था एक, तो क्या हुआ दोस्तों, वो मतलब वीडियो पूरी अपलोड होने वाली थी बट वो थोड़ी सी बची, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 50 MB की बची होगी, फिर वापस से स्टार्ट हो गई शुरू से ही। मेरे को लगा कि साला ये क्या है, तो 2.5 MB गई मेरी सुबह ही, पूरा नेट चला गया सुबह ही, क्या कर सकते हैं अब। ये जो है भैया, ये देख सकते हो, ये सब मेरा घर है, मेरा हाउस, माई हाउस। ये देख सकते हो, इधर भैया भैंसे बंधी हुई है इधर, तो इधर भी चलेंगे अभी क्या। तो दोस्तों, पहले इधर दिखाई देता हूँ मैं, इधर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, फार्म ट्रक 45 फोर्ड, क्या दोस्तों फोर्ड बोलते हैं भैया इसका नाम, चलता है फार्म ट्रक 60। देख सकते हो आप, ऐसा भैया हमारा ट्रैक्टर है भैया। अब आप बताओ मेरे को कितना ईयर ओल्ड है ये ट्रैक्टर, बता सकते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, ये 17 साल ओल्ड ट्रैक्टर है, 17 ईयर। देखो कितना पुराना ट्रैक्टर, बट लगता नहीं है ना कि 17 साल पुराना ट्रैक्टर है। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि लगता है कि 17 साल पुराना हो चुका है ये ट्रैक्टर। देख सकते हो आप, ऐसा लुक है, अभी तो मतलब गंदा हो रखा है, कीचड़ वगैरह में हो रखा है, काफ़ी दिन से धोया नहीं है, तो उस वजह से देख सकते। और इधर भैया ट्रॉली रखी है, इसमें भैया धान भरा हुआ है। अभी कल ट्रक गया भैया कोटा, तो आज भैया पापा गए हैं कोटा, कार लेके, भैया फूफा जी की कार लेके गए हैं भैया। कार तो वो आए थे, मतलब उनको दिखाने जाना था डॉक्टर के पास, तो वो आए थे कार लेके, फिर उन्होंने बोला कि इसको ले चलते हैं, तो भैया उनकी कार को ले गए वो। तो भैया ये तो यहीं खड़ी है चमचमाती हुई है, और इधर चल के दिखाते हैं आपको। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि भैया टाइम की कमी है हमारे पास बहुत ज़्यादा। इधर ये देखो, ये परार पड़ी हुई है धान की, क्या पेट भर के लेके आए थे भैंसों के लिए, इन्हों के चारे की कमी है भैया इस साल। ये बंदी हुई है इधर, देखो भूसे भरने का होल कितना बड़ा है, देख सकते हो। अंदर से दिखाऊँ, दिखाई देता हूँ आपको मैं आज तो। और इधर भैया ये हमारी गाड़ी भैया, जो कि इसका जो सींग है ये उखड़ चुका है, मतलब जो ये खुर रहता है ना, ये खुर, ये पता नहीं कैसे निकल गया इसको, तो फिर ये मैंने पट्टी वट्टी कर दी है इसके, पहले भी बांधी थी बट ये घास से मतलब हटा देती है उसको, पट्टी को भी, फिर मैंने कपड़े की बांध दी। ये देखो भैया हम आ गए भैया भूतिया घर में। ये भैया कबाड़ा खाना पटक रखा है हमने यहाँ पे, देख सकते हो आप कितना सारा कबाड़ा खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे। और भैया इतना सा भूसा बच्चा हुआ है, और अभी तो हमने गेहूँ भी, गेहूँ की उड़ाई भी नहीं की है क्या दोस्तों। और ये अभी मतलब एक बिट के ऊपर होगा शायद, एक या दो बिट, एक बिट ही निकलेगा शायद मेरे हिसाब से, तो एक बिट के थोड़ा ऊपर हो जाए तो हो जाए, एक बिट ही भूसा बच्चा हुआ। और भैया इन लोगों को खाने के लिए भैया ये देख सकते हो, एक
दो तीन है, तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं। और भैया क्योंकि साल इस वजह से भूसा कम बना क्योंकि हमने चने ज़्यादा कर लिए थे और गेहूँ किए थे सिर्फ 10 बीघा, तो और वो लोगों ने भी मतलब गेहूँ नहीं किए थे, कम ही किए थे, चने सरसों ये ज़्यादा किए थे, तो उस वजह से मतलब इधर तो मतलब इसके मतलब भूसे की कमी है सही इस साल। तो अब इस साल देखना गेहूँ ज़्यादा करेंगे। और भैया इधर देखो दिखा कुछ, उधर पीछे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और ये किधर ट्रैक्टर फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला है काफ़ी टाइम से, ये देख सकते हो आप एकदम पीला पीला हो रखा है, तो ऐसा नज़ारा है दोस्तों। और चलता हूँ मैं आपको बाहर की तरफ, तो बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, अब बाहर का मैं मतलब मेरे गांव का इधर का नज़ारा दिखाता हूँ, ऐसा नज़ारा है। और भैया इधर ट्रैक्टर खचक रखा है, फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला है भैया। और भैया निकल गया फाइनली, काफ़ी मशक्क़त के बाद निकला है। तो दोस्तों मतलब आज के व्लॉग में हम मतलब पूरा शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा और नहीं करूँगा मतलब बड़ी वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको भी व्लॉग अच्छा लगा हो, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों कल है, अगर आपको दोस्तों व्लॉग अच्छा लगा हो हमारा, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।